पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड्स, हेलो टीचर। आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडर बोर्ड एंड क्विज़ेस से अमेजिंग हो जा हैपनिंग। समझ आएगा तो मजा आएगा। वेदांतु, लर्न लाइव ऑनलाइन। टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ। केमिस्ट्री आई हेट, बहुत बोरिंग है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ गारंटेड रैंक इम्प्रूवमेंट। और खैर, मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ, राइट? आज मैं एक वो बहुत ही भयानक जो नाइटमेयर होता है सब बच्चों का, जो हर किसी जगह मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं कैसे करना है, वो मैं आज उस चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट? अब यार देखो, ये वीडियो से पहले मुझे ये बोल देना चाहिए, राइट? मुझे वैसे बहुत शर्म आती हुई आ रही है बोलते हुए, बट आई थिंक ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली मुझे ये बोल देना चाहिए कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने खुद नहीं किया था, राइट? और आपको लग रहा होगा, सर आपने जो खुद नहीं किया वो आप हमें बता रहे हो, बट गाइस, बच्चों यही तो सबसे बड़ी बात है कि टीचर वो चीज़ें बताता है जो गलती खुद उसने करी है और वो भुगत चुका है, तो चाहता है कि स्टूडेंट्स वो गलती ना करें, राइट? तो मैं वन ऑफ दो स्टूडेंट्स था जिनकी को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। इनफैक्ट मेरे से ऊपर पुलकित सर हैं, राइट? उन्हें तो पूरा छोड़ के ही गए थे, उनको अलग से आप पिंग करके पूछना। बट एनी विच वेज, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई यूज टू इग्नोर इज द वर्ड, राइट? एंड काफ़ी आप में से आप लोग करते हो, मुझे पता है, राइट? वो देख लेता हूँ मैं कमेंट्स में एंड ऑल दैट। तो कैसे इसको सॉल्व करें, राइट? कैसे सॉल्व करें? तो देखो यार, सी आई कैन टेल यू दैट ये भी इंपॉर्टेंट है। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि देखो, एक मार्क ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से जो है, एक मार्क है, वो यहाँ से आ रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है कि मैकेनिक्स से आ रहा है, डजेंट मैटर। एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक मार्क कहीं से भी आए जरूरी है, ये ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से एक मार्क लाना ज़्यादा आसान है और से मैथ्स या फिजिक्स से एक लेवल के बाद एक मार्क लाना मुश्किल है। ये सब चीज़ें आई एम श्योर आपको काफ़ी लोग और भी बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ कई जगह, बट इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड इट। तो आज मैं आपको एक छोटी सी एक टिप, एक सीक्रेट देना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे एड्रेस करो, राइट? तो सबसे पहली चीज़, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना फिर भी बीच में होता है, ठीक है, कई लोगों को इंटरेस्ट बन भी जाता है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि यू नो कई मैक्सिमम बच्चों को टॉर्चरस लगता है, राइट? लगता है कहाँ से आ गया ये, अब कैसे इसको सॉल्व करना है, एंड हाउ डू यू स्टिल यू नो गेन कॉन्फिडेंस एंड डू दैट क्रैक इट, मैं आपको बताता हूँ, राइट? सो इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि वो एक्सट्रीम है, जो भी बता रहा हूँ ऑर्गेनिक के लिए भी एप्लीकेबल। तो देखो गाइस, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, एक तरीका है सिंपल सा, वो ये है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक एक हिस्ट्री या यू नो 10th क्लास में 9th क्लास में जो आप हिस्ट्री करते थे ना, उस तरीके से अटैक करने की जरूरत है, जो कि क्या है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है। तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट एक समझ में आ गया तो आप उसके 10 क्या 20 क्या 100 न्यूमेरिकल्स भी आज कर सकते हो, बट दीज थिंग्स आर नेसेसरली नॉट लाइक दैट, राइट? क्योंकि इसके काफी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में है, जो कि शायद आपको 11th 12th में समझ में ही नहीं आए, आपको MSc यू नो और हायर डिग्रीज करने पड़ेंगे टू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट? नेचुरल है। तो क्या करें, तो करना ये है, एक तरीका है, बेस्ट तरीका, इंटरेस्ट डेवलप कर लो, बट मुश्किल है वो। दूसरा तरीका ये है, जैसे आप हिस्ट्री करते थे, आप ना रिविजन साइकिल्स मारो, राइट? अब रिविजन साइकिल ये बोलता है कि अगर आप एक ही चीज को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में रिटेन कर जाएगी। तो यहां का भी ट्रिक वही है। अब प्रॉब्लम ये होती है यार कि बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जब इनऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, डी तक पहुंचते सब गायब हो गया, कुछ याद ही नहीं है कि यार क्या पढ़ा था 2 चैप्टर पहले। होता है ये, मेरे साथ यही होता था, और उससे इतना डिमोटिवेशन आता था कि यार क्यों टाइम दे रहा हूं, कुछ याद तो हो ही नहीं रहा, कुछ रिटेन तो हो ही नहीं रहा। अब हियर लाइज द ट्रिक स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, ये चीज सबके साथ होती है, बट यहां गिव अप नहीं मारना है आपको। क्या करना है ना, कोई बात नहीं, याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको पूरा एक
पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, वापस से शुरू से शुरू करो, वापस से पूरी साइकिल कंप्लीट करो, वापस तीसरी बार फिर से एक पूरी साइकिल कंप्लीट करो, ठीक है। तीसरी बार जब करोगे ना, तब आपको थोड़ा बहुत यू नो दिमाग में आइडिया आना शुरू होगा कि यार एक सेकेंड ना याद है चीजें, थर्ड चैप्टर में भी सेकेंड फर्स्ट चैप्टर की चीजें रिटेन हो रही हैं, राइट। वो कॉन्फिडेंस ना थर्ड साइकिल ऑफ रिविजन में आएगा, राइट। और मेरा जो मैं जो बच्चों को सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आपको एटलीस्ट 4 साइकिल्स ऑफ रिविजन करने हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाइस, आप अगर 4 साइकिल्स ऑफ रिविजन कर लो ना, इस चीज में स्कोर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। और हर कोई इंसान जो बोलता है वो सही बोलता है कि दिस आर वेरी स्कोरिंग, राइट। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है भाई, बस रिविजन कर लो, राइट। तो रिविजन कर लो, मार्क्स आ जाएंगे, बट एक रिविजन से काम नहीं चलेगा, 4-5 साइकिल ऑफ रिविजन, 6 कर लो तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको इसमें, मतलब मैक्सिमम 80-90% ले आओगे आप इसमें, राइट। अब रिविजन करना कहां से, एक किसी पर्टिकुलर बुक को पकड़ो, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशियंट है, इवन जेई लेवल के लिए, जेई एडवांस लेवल तक के लिए भी एनसीईआरटी उठाओ, रिविजन साइकिल्स करो, 1, 2, 3, 4 तो करना ही करना है, राइट। कई बच्चे अगर बोल रहे हैं कि सर एग्जाम तो अभी बहुत नियर है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो अगर जैसे अभी आप जो वीडियो कई लोग देख रहे होंगे वो जैन एग्जाम के बारे में सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, आप अप्रैल के एग्जाम के लिए तो एनफ टाइम है आपके पास, उसके रिविजन साइकिल्स करो, राइट। और उसको करने का तरीका ये भी है कि आपको हर दिन एक टाइम इसको अलॉट करना होगा, 1.5 घंटे का, 1.5 to 2 hours is what I will prescribe to start off, कि इस 1.5 घंटे 2 घंटे सिर्फ इनऑर्गेनिक हम रिवाइज करेंगे, ओके। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल, ये चीज मैंने बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखा है, बट उन बच्चों के साथ जिन्हें इसको इंप्लीमेंट किया है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा आदतें चेंज करनी होगी और विल पावर लाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बहुत बहुत बोरिंग लगेगा, बट बिलीव मी यू नो वो डर के आगे जीते बोलते हैं ना, तो हाँ उसके आगे मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये सब करना है आपको, एंड आई सिंसियरली होप इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपके मार्क्स और रैंक्स आगे बढ़ेंगे, ओके। सो गाइस ऑन दैट नोट, ऑल द वेरी बेस्ट, डू ग्रेट, दिस इज वंशी कृष्णा साइनिंग ऑफ।